फेसबुक एड्स में सेल्स कैंपेन कैसे रन करें। सेल्स कैंपेन तो हर एक इंसान रन कर लेता है क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें सेल्स कैंपेन रन करना सिखाया है। बट अगर अपन बात करें कि हाई प्रॉफिटेबल सेल्स कैंपेन हम कैसे रन कर सकते हैं फेसबुक में, जिसमें हम अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर पाए, या डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिर आपका कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट हो, उसके लिए हम कैसे अपना एक सेल्स कैंपेन सेटअप करते हैं, हाई प्रॉफिटेबल सेल्स कैंपेन, इस वीडियो के अंदर इन डिटेल वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप खुद के प्रोडक्ट के लिए या फिर आपके क्लाइंट के प्रोडक्ट के लिए आप एक हाई प्रॉफिटेबल सेल्स कैंपेन रन कर सकते हो। बहुत ही इजी है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। एंड इस चैनल पे जो वीडियोस आपको फेसबुक एड्स से रिलेटेड एंड फेसबुक एड्स से आप कैसे पैसे कमा सकते हो इससे रिलेटेड इस चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं अभी आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक हाई प्रॉफिटेबल सेल्स कैंपेन जो है वो सेट कर सकते हो फेसबुक में, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स को लेके आ सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपन अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो गाइस अपन यहाँ पे आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने लिए सेल्स कैंपेन को रन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं अपन किसी अपने एड अकाउंट में, ठीक है। स्क्रेच से बता रहा हूँ कि कैसे आप सेल्स कैंपेन रन कर सकते हो, सारी चीजें, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, वरना आपको ही प्रॉब्लम आएगी फिर आपको करने में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कुछ कैंपेन्स हैं, यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बार अपन तो यहाँ पे इंटरफेस है एड अकाउंट का, सभी को पता होगा, सिंपल आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हम सेल्स कैंपेन की बात कर रहे हैं, बाकी सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उसको छोड़ देना, डायरेक्ट आपको यहाँ पे सेल्स कैंपेन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन या फिर मैनुअल सेल्स कैंपेन। तो अपन मैनुअल चलाने वाले हैं, मैनुअल पे चलेंगे, कंटिन्यू पे अपन क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अपना कैंपेन लेवल आ गया, फिर एड सेट लेवल आता है, फिर एड लेवल आता है। तो यहाँ पे कैंपेन नेम में आप अपने कोई भी मतलब नाम दे सकते हो, ये आपको पहचानने के काम में आएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे नेम दे सकते हो, ठीक है। नीचे अपन यहाँ पे चले तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है, यहाँ पे सेल्स है, यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। नीचे आता है एडवांटेज कैंपेन बजट, ठीक है, कि ये पूछ रहा है कि आप सीबीओ चलाना चाहते हो या फिर एबीओ चलाना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको एबीओ सीबीओ नहीं पता है तो आप कमेंट कर देना, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऑन करते हो तो ये आपको बजट बोलेगा कितने रुपए से आप डेली बेसिस पे एड चलाना चाहते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे चला देता हूँ, चलो 550 से मैं यहाँ पे जो एड है वो चला देता हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे डेली बेसिस पे 550 रुपए की एड चलानी है, सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। एड सेट लेवल पे आ गए, एड सेट का नेम यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। एड सेट के नेम क्या रखना है, ठीक है, जो मेरा तरीका है सेल्स का जो कैंपेन रन करने का वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार छोड़ दो, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। जो परफॉर्मेंस गोल है यहाँ पे आपको याद रहे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स रखने, पिक्सल आपका पिक्सल यहाँ पे सेट रहना चाहिए, ठीक है, सिलेक्ट होना चाहिए। कन्वर्जन इवेंट, ठीक है, कन्वर्जन इवेंट में हमेशा आपको परचेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे नीचे चलते हैं, ठीक है। डायनेमिक क्रिएटिव छोड़ दो, आपके काम का नहीं है, ठीक है। बजट एंड शेड्यूल, कब से आप एड्स को रन करना चाहते हो, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि नेक्स्ट डे, ठीक है, मान लीजिए अभी जो ये वीडियो शूट हो रही है 18 जनवरी को ये वीडियो शूट हो रही है, ठीक है, 18 जनवरी को वीडियो शूट हो रही है, तो मैं मेरी एड चलाऊंगा 29th को, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम है यहाँ पे मैं कर दूंगा 00, ठीक है, या फिर आप इसको 12 AM यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैं रात को 12 बजे से मेरी ये एड चलाना चाहता हूँ, ताकि जो मैंने मेरा बजट लगाया वो पूरे 24 घंटे में कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा नेक्स्ट डे से आपको एड चलानी है, टाइमिंग रात के 12 बजे से, ठीक है, ताकि 24 घंटे रहें आपके पूरे बजट के पास, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ऑडियंस का, इसको यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग इसको आपको नहीं छेड़ना है, एडवांस ऑडियंस कंट्रोल, सॉरी ऑडियंस कंट्रोल में आपको आ जाना है, कुछ छेड़खानी नीचे नहीं करनी। यहाँ पे देखो एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला है ऑडियंस सजेशन, दूसरा है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक है, ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, जो पहले जिस तरीके से हम
ऑडियंस को टारगेट करते थे, ठीक है। यहाँ पे कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन आता था, कस्टम ऑडियंस आपके पास नहीं होगी, अगर होगी तो अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो कमेंट कर देना, इसकी वीडियो भी हम बना लेंगे। और यहाँ पे देखो डिटेल टारगेटिंग होती थी जहाँ पे अपन अपनी टारगेटिंग को ऐड करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखें जो दूसरा ऑप्शन था, देखो यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ठीक है, जो भी है, तो ये अपने देखो ऑडियंस सजेशन, मैं बोलूंगा कि आज के टाइम पे ये मेरे हिसाब से ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, मतलब ओरिजिनल ऑडियंस जो पहले चलती थी उससे बेस्ट परफॉर्म करता है ऑडियंस सजेशन वाला, मैंने जहां तक टेस्ट किया है। एंड ये मैंने काफी लोगों से पता भी किया है, किसी के लिए ये काम कर रहा है, किसी के लिए ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आप दोनों ट्राई कर लेना, ऑडियंस प्लस सजेशन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी एज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, डिटेल टारगेटिंग सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मान लीजिए मैं टारगेटिंग डाल देता हूँ मनी, मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो पैसे में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मनी और मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे जो न्यू सेल्स जो मेरा एड सेट का नाम था मैंने उसको कर दिया चेंज, ठीक है, ताकि जब मैं स्केल करने जाऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी टारगेटिंग से मेरे पास सेल्स आ रही है। एंड गाइज मेरा तरीका यही है कि मैं एक एड सेट के अंदर हमेशा एक ही टारगेटिंग रखता हूँ ताकि मैं उनको स्केल इजीली कर पाऊँ, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे अपनी टारगेटिंग सेलेक्ट कर ली, सिंपली यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है देखो डिफाइन फर्दर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे एंगेज सुपर डाल देना, ठीक है। हम उन लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं जिनका जो बिहेवियर है जो एंगेज सुपर, मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने पास थोड़ी ऑडियंस नर्चर हो जाती है, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा डालता हूँ एंगेज शॉपर्स, कभी डालता हूँ कभी नहीं डालता, टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। नीचे चलते हैं प्लेसमेंट में, प्लेसमेंट में आपको अभी कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, एक बार दोबारा से देख लो। एड सेट लेवल पे कुछ भी नहीं करना, एड सेट का नेम डाला, पिक्सल सेलेक्ट किया, कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट किया, ठीक है। अपन ने अपनी एड को शेड्यूल किया और जो अपनी टारगेटिंग की, और कुछ नहीं करना, सिंपल नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। एड का नेम है, एड अपना नेम आप डालो, एड वन एड टू, मैं ऐसे डालता हूँ, ठीक है। अपना पेज सेलेक्ट करो, ठीक है। पेज सेलेक्ट करना, जो भी आप जिस पेज से आप ऐड रन करना चाहते हो वो पेज आपने सेलेक्ट किया। नीचे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना आता है प्राइमरी टेक्स्ट की, मतलब आप क्या डालना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरा एक लीड जनरेशन का अगर अपन बात करें, ठीक है, जो बिजनेसेस ओनर्स हैं उनके लिए मेरा एक लीड जनरेशन का कोर्स है, ठीक है। तो अपन एक बार इसी को ले लेते हैं, ये मेरी मतलब जो है प्राइमरी टेक्स्ट है, मतलब एड कॉपी जिसको अपन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरी एड कॉपी डालूंगा, एड कॉपी आपकी अच्छी होनी चाहिए, लोगों को पढ़ने में आनी चाहिए, उसको पढ़ के लोगों को समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में आप उनको क्या देने वाले हो, ठीक है। हेडलाइन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, आपकी ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैंने कर लिया कॉपी और मैंने यहाँ पे हेडलाइन में भी डाल दिया, एंड यहाँ पे मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल दिया। नीचे चलते हैं, लर्न मोर, आप कॉल टू एक्शन कुछ भी दे सकते हो, अलग अलग टेस्ट कर सकते हो, ज्यादा जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है लर्न मोर मेरे लिए, ठीक है। वेबसाइट बोल रहा है, वेबसाइट अपन कुछ भी डाल देते हैं, मान लीजिए कि अगर अपन यहाँ पे कुछ भी डालते हैं, ठीक है, google.com कोई भी आपकी वेबसाइट होगी वही आपको वहां पे डालनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। नीचे आ जाना है आपको, अपना इवेंट वगैरह और कुछ नहीं करना। अब अपन को यहाँ पे ऐड करनी है अपनी मीडिया, आप वीडियो ऐड चलाना चाहते हो, आप इमेज ऐड चलाना चाहते हो, कुछ भी चलाना चाहते हो, ऐड वीडियो ऐड चलाना चाहते हो, तो ऐड वीडियो पे आपको क्लिक कर देना है। एंड मैं यहाँ पे मेरी कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। और हमेशा ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे जब आओ आप क्रॉप वाले सेक्शन पे, हमेशा ओरिजिनल पे आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी वीडियो कटी फिटी दिखाई देगी लोगों को, ओरिजिनल रखना, ठीक है। डन पे आपको क्लिक कर देना है, ओके, ये मेरी एड रेडी होगी। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुन लो, अब है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक कैंपेन हो गया, कैंपेन के अंदर मैंने चार एड सेट रखता हूँ, ठीक है। अभी अपन इसको डुप्लीकेट करेंगे, और एक एड सेट के अंदर हमेशा मैं दो एड रखता हूँ ताकि मुझे पता रहना चाहिए कौन सी मेरी एड बेस्ट परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो मेरी एड नई बन गई यहाँ पे, और मैं इसकी एड कॉपी वगैरह सेम रहने दूंगा, और यहाँ पे इसको कर दूंगा कट, और मेरी जो दूसरी एड क्रिएटिव है, ठीक है, मैं दूसरा एड क्रिएटिव मेरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, ओके, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब क्या करूंगा, मेरा जो
एड सेट है, देख लो ध्यान से, जो एड सेट है इसके थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट पे आपको क्लिक करना है। और मैंने बताया था एक कैंपेन के अंदर मैं चार एड सेट रखता हूँ, एक मैंने बना दिया तो मैं सिंपली इसकी तीन कॉपी बना दूंगा, ठीक है, तीन कॉपी मैंने कर दी। अब ये डुप्लीकेट हो गया, देखो यहाँ पे मनी करेंसी कॉपी, तो यहाँ से मैं इसकी जो टारगेटिंग है अब उसको कर दूंगा चेंज। मैं यहाँ से डाल देता हूँ जो बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है, जो बिजनेस ओनर हैं मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है, जो बिजनेस ओनर है, अपन करते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर को टारगेट, ठीक है। आप टारगेटिंग आपके हिसाब से लगेगी आपके प्रोडक्ट में, मेरे पीछे पीछे अपनी टारगेटिंग मत डाल देना, ठीक है। स्मॉल बिजनेस ओनर जो है मैं उनको टारगेट कर देता हूँ, और इसको मैं कर लूँगा कॉपी, और मैं यहाँ से कर दूंगा इसका नेम चेंज। अगले में चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एड सेट में, और इसके अंदर टारगेटिंग जो है इसके अंदर अपन उन लोगों को डाल देते हैं जो स्मॉल बिजनेस में इंटरेस्टेड रखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑल बिजनेसेस में इंटरेस्टेड, ठीक है, स्मॉल बिजनेस में, सॉरी। तो ये रहा, और इसको मैं कर लूँगा कॉपी, और इसको मैं कर लूँगा पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं, अपना लास्ट एड सेट बचा है जिसके अंदर अपन को अपनी टारगेटिंग चेंज करनी है, एंड यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, लाइक मैं डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ओके। तो देखो गाइस, टारगेटिंग आपके प्रोडक्ट के हिसाब से लगेगी, आप मेरे पीछे पीछे टारगेटिंग मत डाल देना, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और टारगेटिंग पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, आपको लगता है यार टारगेटिंग हम नहीं कर पाते, देखो फेसबुक ऐड में जितना भी खेल है पूरा का पूरा टारगेटिंग में है, और आपको लगता है कि हम टारगेटिंग नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो अगर आप कमेंट करते हो कि हमें टारगेटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, तो अपन एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे टारगेटिंग के ऊपर, जिसमें आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया अपना एक कैंपेन, कैंपेन के अंदर देखो यहाँ पे चार एड सेट हो गई, स्मॉल बिजनेस ओनर, स्मॉल बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग और मनी, और एक एड सेट के अंदर मैंने दो एड रख रखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब ये पूरी चीजें आप कर लो तो एक बार अच्छे से चेक कर लेना सारी चीजें आपने सही की हैं क्या, और न्यू सेल्स कैंपेन पे जो आपका कैंपेन है उसके ऊपर क्लिक करके सिंपल यहाँ से आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। मैं पब्लिश यहाँ पे नहीं करना, कुछ नहीं करना, इस कैंपेन को सिर्फ आपको 3 दिन चलने देना है, ठीक है, 3 दिन आपको ये कैंपेन चलने देना है, 3 दिन बाद में इसकी परफॉर्मेंस देखनी है। 3 दिन बाद में क्या करना है, इसके अपने वीडियो वीडियो बनाएंगे जहाँ पे मैं आपको स्केलिंग के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट, मतलब आपको सेल्स अच्छी खासी आ रही है तो कैसे आप उसको स्केल करोगे, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना एक हाई प्रॉफिटेबल सेल्स कैंपेन रन कर सकते हो गाइज, ट्रस्ट मी। अगर आप मतलब ये सोच रहे हो कि यार इसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है जिसमें हम अच्छे खासे मतलब फेसबुक एड्स का जो मतलब सेल्स कैंपेन रन कर सकते हैं प्रॉफिटेबल, गाइस कुछ भी नहीं, सच बता रहा हूँ, कुछ ऑप्शन ही नहीं है फेसबुक के अंदर जो आप कर पाओ, यही सारी चीजें हैं। फेसबुक में अगर आपको लंबा खेलना है या फिर ज्यादा कन्वर्जन निकालना है या फिर ज्यादा प्रॉफिट करना है, तो गाइज वो ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ पे कैंपेन के अंदर जाके छेड़छाड़ करेंगे तब जाके अपन को प्रॉफिट होगा, ऐसा आपका मिथ है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कब निकालोगे, ठीक है, जब आप अपने एड्स लेवल के ऊपर खेलोगे, इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, सारी चीज़ें इस एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आप बस ये सीखो कि कैसे आप अपना एक हाई प्रॉफिटेबल सेल्स कैंपेन रन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो वाइज लाइक करना, कमेंट जरूर करना, अपने ओपिनियन शेयर करना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके जरूर जाना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन और भी फेसबुक ऐड की नई नई चीज़ें सीख रहे हैं।